हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलवर। मेरा और आपका कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर करियर में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो परसेंटेज के ऊपर पार्ट वन है। इस वीडियो में परसेंटेज के ऊपर एसएससी में, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम में, पिछले कुछ सालों में जितना भी क्वेश्चन आया है उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पार्ट पार्ट में दिखाएंगे। ये वीडियो पार्ट वन है, तो अगर आपको अच्छा लगे लाएगा तो इसके बाद पार्ट टू पार्ट थर्ड लाएंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2000 में एक क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट इक्वल्स रेशियो 5.4, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, ये किस में इक्वल होगा। तो रेशियो 5:4 है, तो 5:4 इसको हम लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जितना होगा वही परसेंटेज है। तब 4/25 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5/25 1/25, तो 1/25 होगा परसेंटेज। 5:4 1/25 से कैल करेगा, तो ऑप्शन डी में देखिए 1/25% है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज 3.5, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है ए बी सी डी, तो 21 के साथ इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का बोर्ड में 1998 में एक क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3.5 है, तो अगर इसका पॉइंट उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज में लेके आना है, तो परसेंटेज में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद परसेंटेज लिख दीजिए। अब हो जाएगा 0 0 काट दीजिए, 350, तो 350 ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी में देखिए 350 है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री देखते हैं। तो क्वेश्चन थ्री में देखिए, हाफ ऑफ 1% राइटन एज ए डेसिमल इज। तो ये क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1999 में एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ 1% मीन्स यहाँ पर हाफ परसेंट, हाफ ऑफ यहाँ पर हाफ ऑफ 1% मीन्स 1/2 ही इसका परसेंटेज। तो इसको डेसिमल में किसके साथ इक्वल होगा, तो इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं 1/2 इंटू परसेंटेज को 1/100 कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा, हाफ मीन्स 0.5, 0.5/100, तो नीचे 2 0 है, तो 0.0005, तो यह हो जाएगा आपका आंसर। तो डेसिमल में हाफ परसेंटेज का 0.005, तो ऑप्शन ए में देखिए 0.005 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी 2002 में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए एक क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज 15% ऑफ रेस 34। ये क्वेश्चन सिंपल है, तो 34 का 15% कितना होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 15% ऑफ रेस 34,
तो रेस को निकल दीजिए, यहाँ पर 15 अपॉन 100 कर दीजिए, परसेंटेज इसलिए इंटू 34 कर दीजिए, इसको 5 से 3 इंटू 5 15 20 हो जाएगा नीचे, यहाँ पर 2 से कर दीजिए 10, यहाँ पर जाएगा 1 7, तो 3 इंटू 17 51 बाई 10 दीजिए, तो 5.1 रेस 5.10, तो ये आपका देखिए ऑप्शन डी में रेस 5.10, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ रेस 2650 इज रेस 1987.50। तो ये होटल मैनेजमेंट में 2002 में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो देख रहे 1987.5, तो रेस 2650 का कितना परसेंटेज है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए जिसका परसेंटेज निकालना है 1987.50, तो नीचे लिखिए 2650 इंटू 100 परसेंट लिख दीजिए, तो कैलकुलेशन का ये जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 1987 पॉइंट उठा दीजिए तो 50 हो जाएगा, और 2650 यहाँ पर पॉइंट उठाने उठा दिया तो 1/100 हो जाएगा, इंटू 100 है ऑलरेडी इसका परसेंटेज, तो देखिए 100 100 काट दीजिए और 0 0 काट दीजिए। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो 75% का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में देखिए 75%, तो यह हो गया आपका आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए बाय।